सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल के 12वें सीजन में अब तक बेहद ही हैरतअंगेज कैच लपके गए हैं और अब इस फहरिस्त में स्टीव स्मिथ का भी नाम दर्ज हो गया है। स्टीव स्मिथ ने जयपुर में खेले गए मुकाबले में डेविड वॉर्नर का बेहतरीन कैच लपक कर फैंस को अपना मुरीद बना लिया है। मैच का 13वां ओवर फेंक रहे वरुण एरोन ने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर डेविड वॉर्नर को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे उन्होंने हवा में खेला। स्टीव स्मिथ मिड ऑफ पर खड़े थे और वो गेंद की ओर भागने लगे। स्मिथ ने काफी दूर तक दौड़ते हुए इस कैच को डाइव लगाकर लपक लिया। स्टीव स्मिथ का ये कैच काफी मुश्किल था क्योंकि वो पीछे की ओर भाग रहे थे। दर्द से गहराए स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने वॉर्नर का कैच तो लपक लिया लेकिन इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह दर्द नजर आया। दरअसल स्टीव स्मिथ ने जब डाइव लगाकर कैच लपका तो उनकी कोहनी में काफी दर्द हो गया और वो अब तक इस चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। वो पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद भी आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि राजस्थान के कप्तान स्मिथ ने अपने खिलाड़ियों को अच्छी फील्डिंग के लिए जरूर प्रेरित किया है। स्मिथ के बाद जयदेव उनादकट ने दीपक हुड्डा और विजय शंकर के बेहतरीन कैच लपके। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपको यहाँ पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।